हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ एंड नर्वस भी हूँ आपको टाइटल दिख कर पता चल गया होगा आज मैं फर्स्ट टाइम आईब्रोज बनवाने वाली हूँ लाइक थमदिल में तो सारा रिएक्शन वगैरह सब दिया हुआ होगा मैंने बट अभी थमदेल क्या होने वाला मुझे वो भी नहीं पता है कितना पेन करेगा वो भी नहीं पता क्योंकि देखो मेरे आईब्रोज जो है ना वो थोड़े थिक हैं मतलब इस साइड ठीक है फिर अदर थी आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ आईब्रोज आई एम हैविंग बट मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले थे नेगेटिव कमेंट्स इसको लेकर के एंड ऑब्वियसली एज भी हो गया मेरा बड़ी हो गई हूँ मैं सो so, अब तो ये बनाना बनता है सो so, चलो आज बनवाते हैं एंड मैंने पहले ही सलाह में बात कर लिया है कि मैं भी जाने वाली हूँ एक सलाह है नाम मैं भूल गई हूँ बाद में आता जगह तो नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा तो वो सलाह मैं अभी जाने वाली हूँ न्यूक्लियस के पास में है सो so, नर्वसनेस भी एक्साइटमेंट भी है जो भी होगा आई शेयर जैसे मैंने वैक्सिंग वाले ब्लॉग में किया था वैसे इसमें भी करूँगी चलो होप फॉर द बेस्ट अच्छी दिखूँ मैं बस यही प्रे करना है गॉड से कि अच्छी दिखूं क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरा फेस अगर खराब हो गया तो बट कोई नहीं अगर खराब हो गया तो ऑप्शन रहेगा बाद में नहीं मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ एंड बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ इसलिए ज्यादा बोल रही हूँ सो अब मिलते हैं आप लोगों से पार्लर पहुंच के और फोर भी है नीचे पकड़ना होगा कैसे नीचे से ऐसे ऊपर नहीं पकड़ना है फर्स्ट हाँ। बार है ना इसलिए तो पेन तो हो गई तो आप देख सकते हो जैसा कि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है मुझे ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि आईब्रोज़ को किस साइड से पुल करना है कैसे क्या करना है मम्मा ने कहा था कि जितना टाइटली पुल करोगे उतना कम पेन होगा बट सीरियसली इसका जो पेन है ना बाबा वैक्सिंग से भी ज़्यादा है एंड मैंने तो दीदी को परेशान ही कर दिया था लिटरली परेशान हो गई थी वो क्योंकि वो एक बाल निकाल रही थी फिर मुझे पेन कर रहा था एंड मुझे लग रहा था बहुत बाल निकल रहे बट वीडियोज़ में मैंने देखा बाल तो बहुत कम ही उन्होंने निकाला है उसका नहीं एक ही बाल निकालते हैं उसके बाद फिर उख करते दें एंड <laughs> फिर से मुझे बहुत ज्यादा पेन करने लगा मतलब ये ऐसा पेन कर रहा था लग रहा था कोई बाल नोच रहा है मेरा लिटरली इसमें ना वही होता ही है स्टार्टिंग में मुझे फिर भी कम पेन हो रहा था पर धीरे धीरे जब आईब्रोज पर बात आई तो मुझे सच में बहुत पेन गया था क्योंकि थिक थे वहाँ के बाल थोड़े देखिए और पतला करके थोड़ा सा आपको ज़्यादा ठीक है मुझे आईडिया नहीं है ये वाला इधर साइड का एंड क्योंकि मैंने आईब्रोज इससे पहले कभी नहीं बनवाया था ये मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए जब दीदी ने मुझसे कहा कि और पतला कर दूँ तो मुझे समझ में नहीं आया क्या सही रहेगा इसलिए मैंने कह दिया कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर दीजिए इस वक्त तो ऐसा था कि नहीं अब कैसा भी बन जाए तो चलेगा बस ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है एंड यस फिर मैंने फ़ोर भी कहा था अच्छे से फोरेड का हेयर्स हटाने के लिए सो so, आप देख सकते हो जब ये मेरे फोर को टच करती थे तो मुझे पेन नहीं कर रहा था क्योंकि फोर के जो हेयर्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं बहुत थिन होते हैं तो वो पेन नहीं करता एंड फिर मेरा जो मिडिल हेयर है दोनों आईब्रोज के बीच एकदम जॉइंट हो रखा था उसे भी उन्होंने हटाया एंड देन ब्रश की मदद से फेस पर से भी वाइप किया एंड फिर बारी आई मेरे दूसरे आईब्रो की जो कि है लेफ्ट आईब्रो की एंड सीरियसली बता रही हूँ लेफ़्ट आईब्रो में जो पेन था वो राइट right आईब्रो से टू टाइम ज़्यादा था आई डोंट नो वाई बट यही हुआ मेरे साथ फिर जब दीदी ने फोरहेड पे स्टार्ट किया फिर से तो मुझे फिर से फीलिंग आने लगी कि यस आई एम द स्ट्रॉगेस्ट अब तो मुझे दर्द होने से रहा एंड फिर देखो वही बेवकूफ़ी फिर से मैं कर रही हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले किया था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पकड़ना कैसे है फोरहेड को मतलब कितने टाइटली पुल करना है एंड कैसे पुल करना है एंड फिर से उन्होंने थ्रेड लगाया आप देखो कैसे थ्रेड पड़ता है एंड वो मोटा होता है हमारे आईब्रो का बाल कितना पेन करता होगा मुझे बहुत ज़्यादा पेन करा था एंड दीदी ने आराम से कह दिया नहीं होता है और ऐसा नॉर्मली है कि होता ही है मतलब ये सबके साथ होता है कि आपके एक आईब्रो में थोड़ा कम पेन करता है एंड एक में ज़्यादा तो आपके साथ ऐसा होता है नहीं आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना क्योंकि मैं तो एकदम बिगिनर थी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना आप देख सकते हो मैं करने नहीं दे रही हूँ इन्हें लाइक एक बाल निकल रहा है एंड मुझे पेन कर रहा है एंड मुझे बस उस टाइम पर यही फील हो रहा था मैं क्यों गई हूँ बनाने लाइक बाद में मुझे लग रहा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हुआ एंड अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि एंड में भी मैंने यही कहा है कि आईब्रोज में उतना पेन नहीं करता है बट अभी वो दर्द मुझे महसूस हो रहा है जो मैं अभी वॉइस ओवर करते वक्त फील कर रही हूँ इससे पहले तो आई वॉज़ लाइक नहीं पेन तो नहीं हुआ मुझे क्योंकि एंड पार्ट में भी आप देखोगे लास्ट में मैंने यही कहा है कि उतना पेन नहीं किया बट पेन तो भाई साहब तगड़ा कर रहा था सीरियसली बहुत ज़्यादा एंड देखो मुझे तो मन कर रहा था भाग जाओ बस वहाँ से बट कोई नहीं मुझे तो आईब्रोज़ कराने थे क्योंकि मेकअप ट्यूटोरियल वाले वीडियोस में मुझे बहुत दिक्कत होता है तो अब बनाना ज़रूरी था सो so, फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि बनाना ही है तो अभी बस बन रहा है आप एक एक स्टेप अच्छे से देखो एंड बीच में मुझे कुछ याद आएगा तो मैं शेयर करती हूँ से जो आईब्रो स्टार्ट होता है थिक वाला एंड फिर बाद में साइड वाइज जाता है दोनों साइड तो आप देख सकते हो वहाँ पर दीदी सीज़र यूज़ कर रही हैं क्योंकि जो वहाँ का हेयर्स होता है वो ज़्यादा स्प्रेड होता है एंड आई गेस मेरा कुछ ज़्यादा ही था इट वाज लाइक कैटरपिलर एंड अभी उसे सीज़र से दीदी ने सेट किया है एंड बीच में मुझे लाइक like, uh, दोनों साइड से आईब्रोज आके बीच पे ज्वाइन कर रहे थे उसे भी दीदी ने सेपरेट कर दिया है एंड बचपन से मैंने सुना था कि जिनका आईब्रोज ज्वाइंट होता है वो बहुत लड़ाकू होते हैं अग्रेसिव होते हैं शॉर्ट टेम्पर होते हैं तो शॉर्ट टेम्पर तो मैं हूँ एंड आई गेस लड़ाकू भी आई डोंट नो बट कौन कौन ये बातें बिलीव करते हो प्लीज़ बताना एंड देखो मैं कैसे हाथ प्रेस कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ पेन एंड हो जाने के बाद तो आई फेल्ट लाइक वाह आई अचीव्ड एवरी थिंग एंड यस इट वॉज नॉट दैट पेनफुल मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि आप वेट करो आप मेरे रिव्यू सुनते हुए जाना मैंने कितना तारीफ किया है एंड मैंने कैसे कहा है कि नहीं ये पेनफुल नहीं था नॉट दैट मच बट नहीं भाई पेनफुल था मैंने देखा अभी वो पेन मैंने वो पेन अभी फ़ील किया एंड आप देख सकते हो फाइनली मेरा आईब्रोज जो है वो डन डन आई डन डन थैंक्स टू तो दिस दीदी जिन्होंने इतना पेशेंटली मुझे झेला लाइक फॉर मोर देन हाफ एन आवर एंड शी वॉज रियली वेरी गुड एंड वेरी स्वीट एंड इतना कष्ट देने के बाद भी दीदी ने मुझे कहा कि अब अगली बार और पतला करके देखेंगे अगर आपके फेस पे सूट किया तो आपके फेस पर फिर पतला ही बनाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था उन्होंने थिक ही बनाया ज़्यादा थिन नहीं किया क्योंकि डर उन्हें भी था कि मेरा फेस ख़राब ना हो जाए मैंने पहले ही कह दिया था ज़्यादा पतला मत कीजिएगा तो उन्होंने कहा था आपके फेस पे जो बेटर लगेगा वही करूँगी ना आप देखो बार बार मैं अपने फेस को ही टच कर रही हूँ एंड फिर मैंने और दीदी ने सेल्फ़ी लिया और फिर उसके बाद मैंने उन्हें थैंक यू किया एंड फिर हम चले गए बाहर सो so फाइनली मैं अपना आईब्रोज़ अच्छे से बनवा कर वापस आ चुकी हूँ एंड uh, जो दीदी मेरा आईब्रोज बना रही थी उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बनाया क्योंकि मैंने कह दिया था कि फ़र्स्ट टाइम है तो आप आराम से बनाइएगा तो इसलिए उन्होंने स्लोली स्लोली लाइक थर्टी मिनट्स लगा मेरे आईब्रोज़ को अच्छे से शेप में लाने में क्योंकि वो फर्स्ट टाइम भी था तो बहुत ज़्यादा मेरा तो आईब्रोज आप देख आपने देखा ही था कैसा था एकदम स्प्रेड था तो फिर यस थोड़ा सा ना थिक ही मैंने बनवाया है लाइक उतना पता नहीं चल रहा कि मैंने बनवाया बस हल्का शेप में आंटी ने लाया है सॉरी दीदी ने आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड यहाँ पे थोड़ा मुझे थिक लग रहा है बट कोई नहीं फर्स्ट टाइम था इतना ही चलेगा नेक्स्ट टाइम से और पतला करवाने की कोशिश करूँगी ज़्यादा पतला नहीं बट थोड़ा सा एंड यस yes, आपको कैसा लगा मुझे बताना मुझे पसंद आया बट ओल्ड इज गोल्ड आई एम मिसिंग दैट बट uh, कभी ना कभी तो बनवाना ही था सो दैट सेट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना शेयर करना एंड कीप सपोर्टिंग एज यू एल ऑलवेज डू लव यू यूर बाय